आज का हमारा टॉपिक है 2 मिनट्स मैजिक के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, जैसे ये और ये है वैसे ही इसका आंसर आपको चाहिए, तो सोचिए क्या होगा। ये ऑप्शंस है, आपको पहले खुद सॉल्व करना है, इसके बाद आप यहाँ पे पॉज कर दीजिए वीडियो और उसके बाद आप खुद सॉल्व कीजिए आपका कौन सा ऑप्शन आता है, उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा कि आगे मैंने कैसे सॉल्व किया है। आप यहाँ पे पॉज कर दीजिए और आप इसे सॉल्व कीजिए, फिर बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से इन दोनों का ये आया है, इन दोनों का ये वाला आया है, उसी तरीके से इन दोनों से कुछ ऐसा रिलेशन बनाना है कि ये दोनों जो भी तरीका फॉलो कर रहे हैं ना, ये भी वही तरीका फॉलो करेगा और इसका भी इन दोनों के हिसाब से ही आंसर आएगा। जिस तरीके से यहाँ पे 98 आया 15 और 8 को लेकर के, उसी तरीके से 24 और 18 को लेकर के यहाँ पे कोई नंबर आएगा, इन दोनों को लेकर के यहाँ पे कोई नंबर आया। तो चलिए हम देखते हैं ये कौन सा तरीका को फॉलो किया है। तो देखिए 15 में से 8 जाएगा, पहले इसको लेते हैं, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, अब इस 7 का डबल कर देंगे, 7 × 2 14, ये वाला 7 है ये, ठीक है, और यहाँ डबल किया गया मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे जो दोनों आया ना, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, 7 × 14, 7 × 14 कितना होता है, 98। तो ये आ गया, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लिया गया है, इन दोनों को, ठीक है। इसको देखिए क्या ये भी यही तरीका फॉलो कर रहा है, 18, इन दोनों को माइनस करेंगे, 18 − 14 = 4। अब 4 को डबल करेंगे, इसको डबल करेंगे, 4 × 2 = 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 4 और 4 × 32 आ गया 32, इसका ये 98 आ गया। इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करिए, देखिए 24 − 18 कितना होगा, 24 − 18 6 आएगा, 6 का डबल करेंगे, 6 × 2 = 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 12 कितना आएगा, 72। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ये आंसर हो गया, ठीक है। ये आपको इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे ना, आपको उसमें यही अंदाज़ा लगाना है कि ये वाला किस तरीके से सॉल्व हुआ है, और जैसा ये रहेगा वैसा ही ये रहेगा और उसी तरीका को ये भी फॉलो करेगा। तो आज का लेक्चर हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आप अपना आंसर मैच कीजिए और देखिए कि आपका भी यही आंसर आता है या अलग आंसर आता है। धन्यवाद।